seen our last unit of so, unit 5 and yes unit 5 and we have seen how cyber law spread in every countries. Okay, what is the ratio of cyber using of cyber laws other countries. Okay, you keep day by day जो इसका वॉल्यूम है साइबर लॉ का वो स्प्रेड हो रहा है बिकॉज ऑफ हम ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जरूरी भी था क्योंकि इतना इतने लोगों को वेट अ मिनट यस इतने लोगों को हैंडल करना एंड इतनी सिक्योरिटी देना बहुत मुश्किल था बट साइबर ने मतलब जो हमारा सिस्टम है इंडिया का जो सिस्टम है उन्होंने इसे कंट्रोल किया है और स्पेशली ड्यू टू पैंडेमिक में बहुत अच्छा इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है नॉट ओनली वन सेक्टर एवरी सेक्टर स्पेशली बैंकिंग प्रॉपर्टी ऑल्सो एक्सक्यूज मी इवन हम लोग कहीं पे भी जाते थे तो इतनी सारी क्यू में खड़े रहना होता था इवन द पासपोर्ट ऑफिस वी स्टैंड इन क्यू एंड द लॉट ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम बट एक सिस्टम में एवरीथिंग क्या कर लिया एकदम इजी कर लिया राइट सो वी एक्सेप्ट इट बिकॉज वी ट्रस्ट हिम की नो दैट इज द थिंग एंड हमें सिक्योरिटी कब तक रहेगी बिकॉज डूज है तो डोंट्स भी है पॉजिटिव है तो निगेटिव भी है बट आर सपोर्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी एक्सेप्ट द थिंग्स है ना डिजिटाइजेशन वी एक्सेप्ट एंड दैट इज गुड फॉर एवरी वन ना कि एवरीथिंग गेट इजिली सो दैट इज बेटर सो यस्टरडे वी हैव सीन 10 कंट्रीज मीन्स जो टॉप 10 कंट्रीज है ओवरऑल द यूनिवर्स दे यूज साइबर लॉ स्पेशली यूएसए में मैंने आपको बताया था शायद कि जैसे ही आप यूएसए एंटर करते हो और वहां अगर आपको किसी भी पर्सन का एड्रेस चाहिए तो आप सिर्फ उन सिस्टम में हमारे सिस्टम में नहीं आप उनके सिस्टम में अगर वो पर्सन का नाम डालते हैं ना वेयर इट इज आपको उसका सारा घर से लेके बाहर तक पूरा डिटेल मिल जाएगा कहाँ वो इस वक्त क्या कर रहा है वो भी आपको दिखेगा सो कितना सिक्योर्ड है ना वहां पे हमारे यहाँ ये सब होने के लिए सालों लग सकते हैं अगर हम लोग या हमारी आने वाली जनरेशन या आपकी आने वाली जनरेशन अगर अच्छा इम्प्लीमेंट करे अच्छा उसमें इम्प्रूव करे तो डेफिनेटली हमारे यहाँ पे भी वो सिस्टम हो सकता है तो अगर इस तरह का सिस्टम रहेगा तो सिक्योरिटी रहेगी जितनी ज्यादा सिक्योरिटी रहेगी उतने लोग इतना हम सेफ रहेंगे उतना ट्रांसपेरेंट रहेंगे जैसे वहां पे है ना जैसे अदर कंट्रीज में है वहां पे फ्रॉड्स नहीं होते वहां पे थेफ्ट्स नहीं होते वहां पे मतलब क्राइम नहीं होता ऐसा हम बोल सकते हैं है ना एक्सीडेंट इज डजंट मैटर वो अलग पार्ट में आता है बट क्राइम कंट्रोल है जो इंडिया में नहीं है वहां पे पनिशमेंट्स है जो हमारे यहाँ पे नहीं है बट स्लोली स्लोली विल सी एंड वी रियली मतलब मुझे तो बहुत ही प्राउडली फील होता है कि चलो कुछ तो चेंज हुआ है लाइफ में मतलब कुछ तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है दैट इज राइट और रॉन्ग क्या लगता है आपको सही है कि नहीं है यस जस्ट इंटरेक्ट विथ मी क्या लगता है कि साइबर सिक्योरिटी कैसी है यूज कैसा है क्या चेंजेस आपको दिख रहे हैं और आने वाले फ्यूचर में क्या चेंजेस हो सकते हैं एनी आइडिया कम ऑन कोई फायदा नहीं हुआ आपको गाइज यस मैम यस साहिल कुछ शेयर करो क्या लगता है साइबर के हिंदी मराठी एनी सॉरी मैम मैं मतलब मैं अटेंटिव नहीं था तो आप रिपीट कर पाओगे ठीक प्लीज फिर से मैं यही कहना चाह रही थी कि साइबर सिक्योरिटी आने से साइबर लॉ आने से इंडम ड्यू टू पैंडेमिक रीजन था पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे चेंजेस हुए हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस है आने वाले फ्यूचर में हमें और क्या चेंजेस इसमें देखने को मिलेंगे कितनी सिक्योरिटी हमें मिलेगी स्पेशली बैंकिंग में हमको सिक्योरिटी मिल गई है क्योंकि बिना ओटीपी के हम कहीं पे भी ट्रांजेक्शन राइट राइट राइट
और हम लोग क्या पहले कैसे थे, कहीं मतलब बहुत ज्यादा डर था कि किसी के भी अकाउंट से पैसा चला जाता था, हैक होता था, कोई भी लिंक हम क्लिक करते थे, बट अभी अवेयरनेस इतना बड़ा किया है बैंक ने। अभी हम ब्लाइंडली सब कुछ करते हैं, मतलब ज्यादा अपन ये नहीं करते हैं, ब्लाइंडली नहीं करते हैं, ब्लाइंडली तो नहीं करते हैं, मतलब बहुत सोचते नहीं है अभी अभी के इसमें, क्योंकि अभी बहुत कुछ डेवलप हो गया है वो हिसाब से। Yes, साइबर सिक्योरिटीज में अभी सबको मालूम है कि ओटीपी मतलब ओटीपी नहीं देना है, ओटीपी जैसी चीज है, या आरबीआई की जो भी गाइडलाइंस वगैरह है, तो सबको मालूम है अपने अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कि अपने को ये फॉलो करना है और ये फॉलो नहीं करना है। Yes, yes, right. और क्या चेंजेस हो सकता है, जैसे फॉरेन कंट्रीज में भी वो लोग काफी अवेयर होते हैं इन सब चीजों में, वहां पे क्राइम ही नहीं होता है, तो हमारे यहाँ पे तो है, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, कोर्ट में भी अगर हमें कुछ प्रूफ करना है हमारे पास एविडेंस इंसिडेंट हो गया तो वहां पे फूटे अगर आपका वो है तो डेफिनेटली यू विल गेट अ जस्टिस, तो सेम थिंग अगर वहां फॉरेन में सारी चीजें हो रही है तो हमारे यहाँ भी, तो हमारी भी जनरेशन आप जैसे लोग जनरेशन और आने वाली जनरेशन अगर इस पे काम करती है, अगर वो चीज को पॉजिटिव है डेफिनेटली एक भी क्राइम फ्री हो, यस राइट, दैट इज द थिंग। थैंक यू साहिल, यस थैंक यू सो मच, थैंक यू। चैतन्य, हाउ यू फील रिगार्डिंग दैट, जस्ट इंटरैक्ट, अभी हमारा ये लास्ट ही सेशन है, सो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड एन नंबर ऑफ सेशंस देखे हैं, तो क्या लगा आपको, आईपीआर देखा, देन हमने डिस्कवरी वाला देखा, प्राइवेसी देखा, यस यस नो नो वन हैव आइडिया, रोहन, जयश्री, जयश्री का यस 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 सिक्योरिटी बहुत हो गई है, सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप से बहुत सिक्योरिटी ज्यादा हो गई है, और बैंकिंग में ही सिक्योरिटी, मोबाइल पे पहले ओटीपी और मोबाइल नंबर वेरीफाई भी हो सकता है उसी से। हाँ, ये तो आपका रजिस्टर्ड अगर मोबाइल है, मोबाइल नंबर है ना, और अगर मैंने साइबर ऑफिसर में आपका कंप्लेंट कर दिया तो वो आपका सिर्फ नंबर डालेगा और आपको सारी चीजें बता देगा कि इसने किससे चैट की, किसके इसमें, मैं सब देख सकती हूँ आपका, गॉट इट, यस मैम। मुझे बताइए आपने फेसबुक पे कैसे सिक्योरिटी करके रखा है, आपने किया है कि नहीं किया है, किया है मैम, हाँ ना, फेसबुक की वो सारी पॉलिसी सेटिंग में जाके आप वो सब पढ़ते हो ना, देखते हो ना क्या क्या सिक्योरिटी वहां पे होती है, क्या हाइड करना है, क्या अनहाइड करना है, हमारी डिटेल किसे शेयर करनी है, किसे नहीं करनी है, है ना, तो वहां पे ऑप्शन आता है कि शो टू योर फ्रेंड्स, राइट, विच फ्रेंड्स, वो भी पूछता है कि किन किन को दिखाना है आपको, किस किसने आपका स्टेटस देखना, इवन व्हाट्सएप स्टेटस में भी ये सारी चीजें है, है कि नहीं है, यस मैम। आपको ये भी पता है कि आपको, आप भले ही उसे हाइड करके रख रहे हो लेकिन वहां पे जो साइबर सिक्योरिटी और जो फोर्स बैठे हुए ना स्पेस में, उन्हें सब पता है आपने क्यों हाइड किया है, किसको हाइड किया है, वो सब, लेकिन वो विदाउट यूअर, मतलब देखिए इसमें मुझे एक बात अच्छी लगी कि विदाउट योर परमिशन, यस एनीवन वांट टू से समथिंग, आईपी एड्रेस से पूरा सर्च होता है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली करेक्ट, तो वहां पे जो सिक्योरिटी होती है ना, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, मैं ये कहने वाली थी आपको कि वहां पे ना आपके परमिशन से ना वो कुछ नहीं करते हैं, उतना राइट आपको दिया है, और एवरीवन हैज राइट, है ना, तो वो राइट आपको दिया है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर न्यू यूनिवर्स के हिसाब से, कि जब तक आप उसे टिक नहीं करोगे वो इंफॉर्मेशन स्प्रेड नहीं होगी, आपने हाइट वो हाइड ही रहेगी, आप उसे अनहाइड नहीं करोगे वो अनहाइड नहीं होगी, मतलब वो सीक्रेसी उन्होंने मेंटेन की है आपके प्रोफाइल के लिए, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे आपका वो ट्विटर पे तो नहीं कर सकते, आपका इंस्टा हो, आपका फेसबुक हो, जहां पे भी आपका अकाउंट है ना,
तो और जो लोग मेंटेन नहीं करते हैं वो नेसेसरी ये हो जाते हैं. हम लोग सुनते हैं, जैसे हमने कल ऑर्कुट का एक केस देखा था, वो लड़की का, इतनी पढ़ी लिखी लड़की कैसे क्या वो इसमें चली गई, बट वो हमारी ही मिस्टेक्स होती है. इसके लिए हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, हम सिस्टम को भी ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज सिस्टम इंटीमेट यू बिफोर ओपन द लिंक, है कि नहीं. आज भी आप कोई भी साइट पर क्लिक करोगे तो वो पूछता है आपको, परमिशन मांगता है कि नहीं मांगता है. हेलो, है ना. इवन कहीं कुछ भी आप अगर लिंक करते हैं तो पूछता है इज इट अलाउड और नॉट, एक्सेप्ट और नॉट, एक्सेप्टेशन पूछता है. जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करो या फिर जब तक वो इवन आप अपना मेल भी जब ओपन करते हो ना बार आपको पूछा है ये ऑटोमेटिकली सेव करना है, सेव ऑटोमेटिकली आप बोलते हो नो थैंक्स. अगर आपने एक बार उसे यस कर दिया तो आपका जो फेसबुक है, जैसे आप लॉग इन करते हो ना ईमेल आईडी, जैसे ही आपने लॉग किया आपका पासवर्ड डाला, वहां पे वो साइड में एक विंडो ओपन होती है और वो पूछती है आपको इज इट सेव ऑटोमेटिकली, और इसमें आता है नो थैंक्स. तो आप अगर नो थैंक्स को क्लिक करते हो तो वो आप कोई भी आपका मेल आईडी ओपन नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपने यस कर दिया तो ऑटोमेटिकली ओपन होगा और कोई भी आपका मेल आईडी ओपन कर सकता है. हमने एन नंबर ऑफ ऐसे भी ट्रांजैक्शन देखे जो एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं, है ना. तो बार बार नेटवर्क जा रहा है आज. ओके सो ये सारा सिस्टम है, मतलब आप इजीली आपका कोई भी ले सकते. तो बी अवेयर अबाउट इट एंड रीड द कंडीशंस और नोटिफिकेशंस व्हेनेवर यू गेट, राइट, बिकॉज़ नोटिफिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, एक्चुअली थोड़ा सिस्टम में प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए मैं वीडियो बंद कर रही हूँ. सो नोटिफिकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, गॉट इट. एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस मैम. या सो नाउ वी हैव सीन, यस, सो यस्टरडे वी हैव सीन दैट इट इज एक्ट हाउ साइबर कम्स इन इंडिया, है ना. इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू साइबर आया था, उसमें सारे चेंजेस भी करने थे, वो सारे चेंजेस हुए, ये हमने फर्स्ट यूनिट में ही देखा था. नाउ साइबर क्राइम्स अगेंस्ट पर्सन, साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये भी हमने कल देखा था, ये वाला एक केस भी देखा था. ये 24 ईयर गर्ल्स जो थी उसका हमने कल केस देखा था कि व्हाट हैपेंड विद हर, शी इज वर्किंग इन TCS कंपनी. देखिए TCS जैसे कंपनी में काम, एक छोटी सी मिस्टेक, कोई भी डिसीजन ना बच्चों इमोशनली मत लो. रियली आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू बिकॉज यू आर माय कलीग्स बोलो या मेरे स्टूडेंट्स मेरे बच्चे बोलो, बट प्लीज एट दैट एज ना, ये जो आपका एज है ना, इस एज में जो भी आप डिसीजन लेते हो ना वो इमोशनली मत लो, ठीक है. सब चीजें होती है लाइफ में, एवरीवन सबको अप एंड डाउन, बट प्लीज बी अवेयर अबाउट इट, क्योंकि एक गलती है ना, एक मिस्टेक बहुत कुछ बदल देती है, पूरी लाइफ चेंज कर देती है आपकी. सो
बिफोर टेक डिसीजंस आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो, अपने स्पेशली अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस करो, अपने पेरेंट्स के साथ आप डिस्कस करो, ठीक है? लेकिन ऐसे कोई भी गलती मत करो जिससे आपका ही नुकसान होगा। जैसे अभी ये कौशाम्बी है, नुकसान किसका हुआ? उसका हुआ, उसके उसने इतना पढ़ा लिखा है, उसको काबिल बनाया, और उसने ऐसा डिसीजन लिया कि आज नुकसान किसका हुआ? उसका हुआ। दैट इज सो इमोशनली कोई भी चीज को अगर आप करते हो तो पहले सोचिए कि ये क्या हो रहा है। अननोन पर्सन अगर आपको कॉन्टेक्ट कर रहा है या ये सारी चीजें तो नहीं होनी चाहिए। तुरंत इमीडिएटली आप साइबर को कॉल करके उनको बोल सकते हो कि अननोन पर्सन वॉन्ट टू टॉक मी लाइक दिस, ठीक है? सो चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, आई रिक्वेस्ट टू ऑल, डोंट टेक इमोशनल डिसीजंस इन योर लाइफ। चाहे कितने भी आप फ्रस्ट्रेटेड हो, कोई भी टेंशन हो, ठीक है? सो यस्टरडे वी हैव सीन सम काइंड ऑफ कंपैरिज़न, हाउ मेनी कंट्रीज यूज साइबर्स एंड व्हाट दे बेनिफिटेड एवरीवन वी हैव सीन। सो नाउ टुडे वी स्टार्ट न्यू, राइट? So this is the impact. Okay, we have seen some impact of internet and all. It is internet and its effect. Okay, so 20% and 30% of internet pornographic consumption is by children of age 12 and 20%. Yes, that's true. Right. So जो 12 year और 17 years के बच्चे होते हैं internet के through क्या क्या देखते रहते हैं, तो दैट इज अ इफेक्ट। मतलब बैड भी है गुड भी है, वो डिपेंड करता है आप उसे कैसे लेते हो। वो एज में, जिस एज में जो करना है, अभी आपका एजुकेशन का एज है तो बेटर है कि आप एजुकेशन ही कीजिए। ये सब बाकी सब चीजें करने के लिए आपको बहुत टाइम मिलेगा। आज ही आप सारी चीजें कर लोगे ना लाइफ में तो करोगे, फ्रस्ट्रेशन आएगा, सैचुरेशन आएगा, राइट? सो डोंट डू दिस। जो एज है अभी, पढ़ाई का एज है तो पूरी पढ़ाई ही कंप्लीट कर लो। जॉब के टाइम पे सिर्फ, जब आप किसी कंपनी में प्लेस हो जाते हो तो सिर्फ वहां पे फोकस करो कि मेरा काम कैसा होना चाहिए, मैं अपना परफॉर्मेंस कैसे बनाऊं, कैसे बढ़ाऊं, कैसे मैं उस लेवल तक जाऊं। गॉट इट? जब आप अच्छी पोस्ट पे चले जाते हो देन बाकी सारी चीजें करिए, क्योंकि जब आप स्टेप स्टेप हर चीज को लोगे, उसे एडजस्ट करोगे तो ही लाइफ एंजॉय कर पाओगे। नहीं तो एक दिन में सब कर लेंगे और फिर क्या बताया लाइफ में, जो बाकी लोग करते हैं ऐसे ही करो। गॉट इट? सो 20-30% ऑफ इंटरनेट पोर्नोग्राफी कंजम्पशन इज बाय चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 12-17 इयर्स ओल्ड। सो बी अवेयर अबाउट इट, क्योंकि आपकी जनरेशन, आने वाली जनरेशन यही सब करने वाली है। सो डिपेंड ऑन यू, आप जैसे फॉलो करेंगे वैसे वो करेंगे, ओके? देन माई स्पेस इज बींग यूज बाय प्रेडेटर टू मीट एंड एंटाइस किड ऑनलाइन। ये केस दिया है कि उनको एक लगा कि वो सिर्फ चिल्ड्रन से बात करें, उनसे इंटरैक्ट हो। देन स्पेसिफिक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आर बीइंग यूज्ड टू अट्रैक्ट चिल्ड्रन टू पॉर्न साइट्स, है ना? कुछ ऐसी चीज होती है जो बच्चा आपको जिद करता है, और आजकल के पेरेंट्स तो बस जिद कर ही, अरे इसने रोना नहीं चाहिए, दे देते हैं उसके हाथ में। कितने छोटे छोटे बच्चे मोबाइल यूज कर रहे हैं, क्या आप उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं हो? हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबल बोलते हैं कि नहीं, ये मोबाइल ने खराब कर दिया, मोबाइल ने खराब कर दिया बच्चों को। नो, आपने किया है क्योंकि आपने उनके हाथ में दिया है, क्योंकि आप भी वैसे करते हो, इसलिए सेम थिंग दे डिड। सही है कि नहीं? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? हेलो, हेलो, एक्चुअली आवाज नहीं आ रहा है, थोड़ा सा क्लियर बात करो नेटवर्क में आके। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? पेरेंट्स और पैंडेमिक भी हो सकता है ना? पैंडेमिक? नो, पैंडेमिक कैसे हो सकता है? पैंडेमिक में तो आपको इतनी सारी फैसिलिटी मिली यूज करने के लिए, पैंडेमिक ने नहीं बिगाड़ा है।
कैसे बोल सकते हो आप? आपको तो सारी चीजें दी, आपने पॉजिटिव चीजें नहीं देखी, आपने पॉजिटिव चीजें नहीं सीखी। आप अगर चाहते कि नहीं मेरा SIP होने वाला है, अगर आपने उस टाइम पैंडेमिक में तैयार करके रखा होता तो आज आप SIP में अव्वल आते थे, अच्छा प्रेजेंट कर पाते थे। तो आप इसका भी ब्लेम पैंडेमिक को देंगे कि पैंडेमिक की वजह से हमारा एजुकेशन नहीं हुआ, पैंडेमिक था इसलिए हम लोग कॉलेज नहीं गए? नो, आप तो मैच्योर्ड बच्चे हो, आप ऐसा कैसा सिस्टम को ब्लेम कर सकते हो? आपके पास तो सारी चीज थी, आपके पास बुक्स था, इंटरनेट पे बुक डाउनलोड करके पढ़ सकते थे, सिलेबस देख सकते थे, एन नंबर ऑफ थिंग्स आप कर सकते थे। कितने लोगों ने किया? एक भी बच्चे ने प्रेजेंटेशन नहीं किया है प्रॉपरली, ये भी आप कर सकते थे। कितने लोगों ने अपना कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग बनाया? कितने लोगों ने 100% बुक्स रेफर की? कितने लोगों ने 100% बुक्स और सिलेबस की बुक पढ़ी, वो मुझे बता दीजिए। कितना इजी होता है ना सिस्टम को ब्लेम करना। आपने अपने आप को ब्लेम किया है कि नो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेस बट मैंने उसे यूज ही नहीं किया। किया नहीं कुछ yes, कभी लगता है, कभी कभी लगता है, कभी कभी क्यों लगता है, रोज लगना चाहिए, कभी कभी लगता है ना, बट कभी कभी लगता है तो अभी भी आप सुधार सकते हो। कभी कभी लगने से कुछ नहीं होता बच्चों, हम पॉसिबल है। आप आपके पेरेंट्स ने आपको सब कुछ दिया लेकिन आप यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हो, और आपकी आने वाली जनरेशन कैसे होने वाली है? देखिए मैं तो साइबर लॉ पढ़ा रही हूँ, लॉ तो मेरा फेवरेट है, लेकिन मैं आपको अवेयर करा रही हूँ कि अभी आप ही ऐसे हैं तो आपकी जनरेशन कैसी होगी। सो अभी से सुधर जाओ। अगर आपको भी बिगाड़ना है तो उनको बिगाड़ने में हम ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे क्योंकि हमने ही वैसा किया है। सो अभी से बहुत टाइम यूटिलाइज कर सकते थे, आपके पास 24 आवर्स थे, लेकिन आप दिन में सोते थे रात में जागते थे। मुझे पता है ना आप लोगों ने क्या किया, तो व्हाट्सएप बंद कर दिया था इसलिए आप इधर उधर की मैसेज इधर उधर फॉरवर्ड नहीं करते थे, लेकिन आपने कौन सा था वो आपका ऐप जो आता था उसमें बहुत सारे वीडियोज वगैरह बनाते थे, क्या नाम था उस ऐप का? टिकटॉक। या टिकटॉक बहुत यूज किया आपने, सीरियसली है ना? लेकिन आप कर रहे हैं। सो दैट इज अ वेरी बैड ना। और हम लोग बोलते नहीं पैंडेमिक था इसलिए कॉलेज बंद था, लेकिन कॉलेज में टीचिंग मिल गया मैडम अपने अपने अनसक्सेसफुल रहने का। एग्जैक्टली, हमें हम और क्यों इंडिया पीछे है क्योंकि जैसे लोग हैं है ना, राइट मैडम, अपने अपना मेंटेलिटी वगैरह सब बदलना पड़ेगा, इसलिए हम लोग पीछे है। गॉट इट? और हमें रिस्पॉन्सिबल है, हमारे पास आप इमेजिन नहीं करोगे एन नंबर ऑफ स्किल्स है, हम चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, आगे भी प्रूफ कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें एफर्ट ही नहीं लेना है। लेना है बनाओ बेटा, प्रेजेंटेशन करो, बट पता नहीं ऑन टाइम पे आपको क्या हो जाता है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्यों है, कौन है? क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं किया ना, क्योंकि प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। आपने कभी सिंगर को गाते हुए सुना है? वो बचपन से गाता है गाता है गाता है गाता है, कितना प्रैक्टिस करता है, लेकिन आफ्टर जब राउंड होता है तो वो एलिमिनेट हो जाता है बिकॉज ऑफ छोटी सी गलती की वजह से, लेकिन कितनी प्रैक्टिस होती है उसके पीछे, है ना? जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं कि, तो मैं आपको भी ये सजेस्ट करती हूँ, अगर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है ना किसी चीज पे, आप ना ऐसी चीजें सीखो जिससे आपका फोकस बढ़े, जैसे म्यूजिक है ना, इंस्ट्रूमेंट बजाना है, ये चीज ऐसी है ना, मेडिटेशन वो तो करते ही नहीं हो, और इस चीज को सीखने के लिए ना बहुत कंसंट्रेशन लगता है, जिसने वे अपना लिया लाइफ में, ठीक है? तो हम सिस्टम ब्लेम नहीं करना है। अभी देखो हम पहले से बोलते थे सिस्टम ऐसा है सिस्टम ऐसा है, तो सिस्टम सुधर गया अभी है ना, सिस्टम ने आपको वो सारी फैसिलिटी दे दी। अब कौन ब्लेम, अब किसको ब्लेम करना चाहिए? खुद को ब्लेम करो, है ना? खुद ही हम ऐसे हैं। अभी बैंक, अभी बहुत सारे प्लेसमेंट कंपनी ने तो बोल दिया
जो बच्चों ने पैंडेमिक में एमबीए किया है उनको हम जॉब नहीं देंगे। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है बच्चों कि अच्छा कंपनी ने ऐसा बोला है, ठीक है हम प्रूफ करेंगे, हम इंटरव्यू ऐसा क्रैक करेंगे कि वो बोलना चाहिए कि नहीं ये बंदे ने पैंडेमिक में रियल स्टडी किया है। आई बात समझ में? अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है बट यू शुड प्रूफ इन फ्रंट ऑफ देम। लेकिन प्रिपेयर करोगे तो, स्किल को इम्प्रूव करो तो, वट एवर आपका जो भी स्पेशलाइजेशन है वही बुक्स पढ़िए, उसी सारी चीजों को हैंग आउट करिए, दिमाग में भरिए उसको, ठीक है। हमें एक्सक्यूज देने की बहुत आदत है हर चीज में, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसा ही है, वैसा ही है, नहीं नहीं खुद को ब्लेम करिए कि आपने एक मिनट से लेके पांच मिनट में क्या किया। आप अपने आप की आप अपनी खुद की ये बढ़ाइए, इम्यूनिटी बढ़ाइए हर चीज में, रीडिंग में, राइटिंग में, कम्युनिकेशन में। मैंने देखा है आपको किसी में भी मतलब कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, आपको अगर कुछ बोला तो आपके चेहरे ऐसे छोटे हो जाते हैं, किसी का भी स्माइलिंग फेस नहीं है एकदम से, हाँ हेलो मैम, हेलो सर, हाउ यू सर, नो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बोलते वक्त भी आपको ऐसा डर लगता है कि जैसे अगर आपने गलत बोल दिया तो आपको पड़ेगी। क्यों क्यों ऐसा बना के रखा है? बाहर निकलो, कितना अच्छा वर्ल्ड है, अच्छे से इंटरेक्ट करो सबके साथ, क्यों इतना डरते हो? हम लोग तो आपके सेकेंड पेरेंट्स है ना, टीचर्स तो हम लोग आपके, तो हम लोग आपको जब इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना कॉलिंग कर रहे हैं, तो आपको भी उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। इतना सपोर्ट अगर आपको मिल रहा है तो वो लाइफ में आपको इसके बाद एमबीए करने के बाद तो मिलने से रहा। गॉट इट? आप जब कॉर्पोरेट में जाके बैठोगे, आप तो आप में से तो बहुत लोग काम भी कर रहे हैं, तो आपको खुद को एक्सपीरियंस है कि कैसा ट्रीट होता है ना। एक ही साल 10 साल वही सीट पे बैठ के आप काम करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं। फिर वही है, रिग्रेट फील कभी कभी लगता है, कभी कभी मतलब कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है वैसा वाला हो जाता कि अगर मैं ये होता तो ये, अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा होता, है ना। तो ये सब छोड़ दीजिए, इसके पीछे मत जाइए, क्योंकि सिक्योरिटी बढ़ गई है और अवेयरनेस बढ़ गया है, सिस्टम आगे चल जाएगा और हम लोग वही रह जाएंगे, गुलाम के गुलाम। अगर आपको वैसे जीना है तो एज यू विश, आप भी बनोगे, आपके बच्चे भी बनेंगे, उनके भी बच्चे बनेंगे, तो हम खुद रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीजों के लिए, राइट। नाउ व्हाट इज द टिप्स, क्या टिप्स है, प्रिवेंशनल टिप्स क्या है? सो keep your computer current with the latest patches and updated always। जैसे आप फोन को अपडेट करते हो ना, अच्छा वाईफाई मिल गया, फोन अपडेट कर लो, पहले गेम खेलना है, व्हाटएवर, पबजी वबजी तो बहुत खेले हो आप, बाप रे। सो वहां पे मुझे समझ में नहीं आता, गेम में आपका दिमाग चलता है, पढ़ाई में क्यों नहीं चलता, क्या रीजन है बताओ? कोई टफ लगती है क्या पढ़ाई? नहीं मैडम, कभी बचपन से मन से किया ही नहीं ना, स्ट्रेस में आके सब एग्जाम दिया वो। अरे स्ट्रेस में क्या, जबरदस्ती पढ़ाया था, क्या बनना था आपको? नहीं बनना वैसे नहीं, मतलब स्कूल से, मैडम स्कूल से बात कर रहा हूँ, स्कूल पे कभी मन से गए ही नहीं ना, रोके रोकर ही गए। अरे रे रे। साहिल तो एमबीए भी रो रो के ही करोगे, तो फिर जॉब भी बेटा रो रो के ही करोगे। आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, आई एम ऑडिबल नाउ? Yes, no. Yes, बेटा आप जब आप स्कूल में रो रो के गए वो बोल रहे हो, तो एमबीए भी रो रो के कर रहे हो? नहीं नहीं, एमबीए नहीं रो रो के कर रहा हूँ। फिर जॉब भी तो आप ऐसे ही करोगे, फिर वहां पे आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो कि आने वाले 5 साल में मुझे कहाँ रहना चाहिए और उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? उस वे से आप तैयारी कर रहे हो कि नहीं? कोशिश कर रहे हैं पूरी। करो बिल्कुल बिंदास, कोशिश करो बिल्कुल एकदम अपना 100%। सिर्फ 1 साल करना है साहिल, सीरियसली बताओ कि आप 1 साल ना सीरियस हो जाओ, बिल्कुल फोन नहीं, ज्यादा बोलना नहीं किसी से, ओनली 2 मिनट्स बात करना, हेलो हाय हो गया, नहीं हो गया बस, किसी में इन्वॉल्व ही मत हो, गारंटी के साथ कहती हूँ। 1 साल में अगर आपने ये सब सीखा तो आप आगे जाओगे, और एक बार आगे गए तो आपको पीछे कोई नहीं ला सकता, दैट इज द गारंटी, ठीक है। और फिर आप अपना एग्जाम्पल दूसरों को दोगे, जैसे मैं आपको दे रही हूँ बता रही हूँ, वैसे आप बोलोगे नहीं यार सिर्फ 1 साल कर, मैंने किया तू भी कर सकता है। गॉट इट? सिर्फ 1 साल। यस मैडम। कम्युनिकेशन स्किल है,
जो भी बॉडी लैंग्वेज है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी करियर बनाना है ना, सिर्फ एक साल इनफ है। वो तो मैं तो बोलती हूँ आपके जैसे बच्चे ने तो 6 महीने में ही कर लेगा, अगर बहुत ही ज्यादा सीरियस ले लिया तो 2 महीना बहुत हो गया ज्यादा से ज्यादा, सीरियसली। ठीक है, सो दैट इज कि आपके फोन्स को, सिस्टम्स को आप हमेशा अपडेट करते रहो, ताकि उसमें जो जो भी एडवांस चीजें आती है वो आपको मिलेगी। नाउ मेक श्योर योर कंप्यूटर इज कॉन्फिगर्ड सिक्योरली, है ना। जब भी आप अपने सिस्टम को बंद करते हो तो सिक्योर है कि नहीं देख के ही उसे बंद करो। देन चूज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड कीप देम सेफ, गॉट इट। तो अभी अपने सिस्टम में जैसे आजकल के पेरेंट्स लगा रखते हैं कि बच्चे ने ओपन नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसे आइडिया होती है कैसे वो पर कर लेता है। इतनी एक्टिव जनरेशन है अभी, इतनी मतलब 2 साल का जो बेबी होता है उसको अगर हम 5 इयर्स या 4 इयर्स के बेबी के साथ कंपेयर करेंगे ना, तो वो उससे ज्यादा एडवांस होता है, गॉट इट। तो आप ही, क्योंकि सारी चीजें हम लोग जो कर रहे हैं वो हमारे आने वाली जनरेशन को हम दे रहे हैं, हम उनको अभी से बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, सो डोंट दिस एवरीथिंग, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए हर हर चीज में, प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर विद सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर उसमें अपलोड करके रखिए, एंटीवायरस डाल के रखिए, ताकि कोई भी वायरस उसमें आ सके। शील्ड योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, है ना, उसको हाइड करके रखिए, या किसी को भी अपनी पर्सनल ऐसा ऐसा बिहेव करिए प्रोफेशनल, कि बहुत सारे लोगों को आदत होती है ना अपना गाना गाने, तो वो मत गाइए, बी प्रोफेशनल। आप एक हैप्पी पर्सन हो ऐसा ही दिखाइए, आप अपने आप को बोलिए कि आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। क्या चाहिए आपको, पास भगवान ने सब कुछ तो दिया है, हाथ पैर आंखें सब अच्छा है आपके पास। उन लोगों के बारे में सोचिए जिन जो लोगों के पास वो चीज नहीं है, वो लोग कैसे ट्रीट करते होंगे, उन्हें कितना है? मतलब फील होता होगा। तो आपके पास तो है, सारी चीजें है, एक बार ये सोच के देखिए, एक कोने में जाइए अकेले और फिर सोचिए कि मेरे पास क्या कभी है जो मैं नहीं कर सकता, पहला क्वेश्चन, और क्या नहीं है जो मैं कर सकता। ऑनलाइन ऑफर्स दैट लुक टू गुड टू बी ट्रू यूजुअली आर, बहुत सारे ऑफर्स होते हैं ना ऑनलाइन पे, आपको डीमार्ट से मैसेज आएगा, बिग बाजार का मैसेज आएगा, ट्रेंड का मैसेज आएगा, एन नंबर ऑफ कि ये आज इतना डिस्काउंट है, उतना डिस्काउंट है, हम कितना यार, चलो चलो यहाँ पे इतना डिस्काउंट है, ग्रोसरी पे इतना है, क्लोथ पे इतना है, शॉपिंग पे इतना है, कम करो, इतना भी उसको यूज मत करो। नाउ रिव्यू बैंक एंड क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट रेगुलरली, आप अपना बैंक स्टेटमेंट और क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट रेगुलरली या वीकली चेक करिए, ताकि आपका बैलेंस कहीं चला तो नहीं गया। वो तो ठीक है कि मैसेज मिल ही जाता है, बैंक सिक्योर हो गई है कि, लेकिन किन किन को अगर नहीं आता है मैसेज, तो बी सिक्योर, बी अवेयर अबाउट इट। तो वो मैंने जो केस बताया था कि दिन दहाड़े उसके अकाउंट में से पैसे चले गए थे और उसे पता ही नहीं, वो तो अच्छा हुआ कि 24 आवर्स होने गए थे, अदरवाइज थे। सो ऑफेंसेस एंड लॉज इन साइबर स्पेस, क्या क्या ऑफेंसेस होते हैं और उसे वो देखते हैं। सो टैम्परिंग विद कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स, है ना, आपके डॉक्यूमेंट्स को अगर आपने आईडी आपका पासवर्ड नहीं लगाया तो वो कोई भी यूज कर सकता है, है ना। जैसे बीच में एक केस होता था ना लोन के लिए, हम लोग किसी को भी इजीली हमारे वो बोलते थे कि ठीक है आप अपना आईडी और पैन कार्ड हमें व्हाट्सएप पे भेज दो, हम आपको प्रोसेस बता देंगे। तो कभी भी एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, रखिए अपनी आइडेंटिटी, जो आपका स्पेशली आधार कार्ड होता है, है ना, और आजकल तो आधार कार्ड के नंबर से भी पैसे निकालने लग गए हैं, ऐसा मैंने सुना है, मैंने ट्राई नहीं किया, आप में से ट्राई किया पता, बट ऐसा हो रहा है। सो नेवर शेयर यूअर आईडी पैन कार्ड इन व्हाट्सएप, नहीं दीजिए, मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए, कॉपी दीजिए, उसके साइन करिए और दीजिए। बीच में ये सिस्टम हो रहा था कि जिन लोगों को लोन चाहिए रहता था ना, वो बीच बीच में हमें फोन आते थे, मैडम आपका आपको होम सैंक्शन हो गया, आपको आपको पर्सनल लोन चाहिए, ऐसे कॉलिंग आते रहते हैं, क्या बोलते हैं हम उसे, टेलीकॉलिंग से बहुत ऐसे फ्रॉड कॉल्स हमें आते हैं।
अभी तो सिस्टम आ गया है कि जैसे ही आपके मोबाइल पे कॉल आता है तो वो दिखा देता है कि फ्रॉड कॉल है। ये भी कितना अच्छा उन्होंने, ये पहले नहीं पता चलता था, पहले हम लोग उठा लेते थे, लेकिन अभी हमारा तो सिस्टम कितना चाहिए, हमें चेंज होना है। अभी इतना यूनिक आ गया है हर सिस्टम में, हर एडवांस में, तो हम क्यों नहीं, हमारे पास क्या कमी है, जो क्या चाहिए अभी, क्या भगवान हाथ में लाके देगा कि बेटा ये ले, अब उतनी तो मेहनत कर लो यार, गॉट इट। सो वो सिस्टम आया था कि बैंक अपना आईडी प्रूफ, आधार कार्ड वहां पे सबमिट करते थे, तो वो लोग क्या करते थे, आपके डॉक्यूमेंट का मिसयूज कर रहे थे। किसी का भी बहुत सारी फ्रॉड केसेस हुई है ना, अकाउंट में लोन आ गया, किसी ने अकाउंट में डाल दिया, क्योंकि तब ये सिक्योरिटी नहीं थी ना, साइबर सिक्योरिटी। बैंक वालों ने भी फ्रॉड कर लिए, जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बैंक थी या जो भी छोटी छोटी बैंक हो, उन वहां पे भी बहुत सारा फ्रॉड हुआ है। लेकिन जब से सिस्टम आया वो सब कंट्रोल हो गया, राइट। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, डोंट शेयर योर डॉक्यूमेंट्स इन व्हाट्सएप, ऑन फेसबुक, ओके, बिल्कुल। हाँ, जहां है आप उन्हें ही दीजिए, जिन्हें आप जानते पहचानते हैं उनके साथ ही शेयर करिए, क्योंकि बैंक वगैरह कभी आपको नहीं बोलती कि ऑनलाइन भेजो, वो बोलती कि बाबा आके खुद करो, या फिर आपके सिस्टम को, उनके सिस्टम में जाके लॉगिन आईडी करके, आपके अकाउंट ओपन करके, फिर उसमें से जाके करो। ऐसे डायरेक्टली ओपन करो मत, और ऐसे डायरेक्टली किसी को भी मत दो, राइट। सही है कि नहीं है, राइट मैडम? यस मैम। नाउ कंप्यूटर सिस्टम है ना, ये भी बहुत चल रहा था, नंबर ऑफ वायरसेस आते फोन में भी आ जाता था कभी कभी, तो हैकिंग से भी अफेंस होता है, मतलब इलीगल है। अगर आपका मोबाइल थोड़ी देर के लिए हैंग हो जाता है तो उसे तुरंत बंद करके रखिए और फिर चालू करिए, क्योंकि कभी ऐसा होता है ना सिस्टम हैक, मतलब कोई तो भी यूज कर रहा है, तो आपका फोन है या फिर आपके फोन का जो भी होता है वो यूज कर रहा होता है, और ताकि उसको वो डिटेल मिल सके। आजकल हमारी तो मोबाइल सिक्योर है, मतलब ये हो जाता है मोबाइल अगर गुम हो गया है तो हम लोग हैंडीकैप हो जाते हैं, क्योंकि सारे डिटेल है उसमें, हमारे सारे डिटेल्स होते हैं। तो प्लीज मत रखिए ऐसी चीज अगर है तो रखिए। नाउ पब्लिशिंग ऑब्सेंस मटेरियल ऑन इंटरनेट है ना, जो भी है पब्लिशिंग वाला जो मटेरियल होता है वो हम इंटरनेट पे रखते हैं, उसका भी आजकल बहुत मिसयूज हो ही रहा है। वैसे बहुत सारे लोग इसका मटेरियल लेते हैं, उसका मटेरियल लेते हैं, वो तो चल ही रहा है अभी, मतलब कॉपी पेस्ट वाला मैटर है, उसमें भी कंट्रोल आ गया, आईपीआर कर रहा है, बट उससे टाइम लगेगा। बहुत सारे जर्नल्स भी आए हैं जो क्लोन में चले गए हैं, बट अभी भी है वो, उनका ऑडिट होता है तो आफ्टर 3-3 मंथ में वो क्लोन में चले जा रहे हैं, वो भी उनका सिस्टम चल रहा है अभी। बहुत सारे जर्नल्स जो थे वो सारे क्लोन में चले गए, तो पब्लिशिंग में भी ये सारी चीजें अप्लीकेबल हो गई है। नाउ ब्रीचिंग ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, अगर आपने रूल ब्रेक किया, जैसे आप कंपनी में कोई ज्वाइन करते हो, जैसे अगर मैं लॉयर हूँ और मेरा अपनी क्लाइंट के साथ क्या है, बॉन्डिंग है, मैंने उसे प्रॉमिस किया है कि आई नेवर शेयर योर पर्सनल डिटेल्स विदाउट योर परमिशन, राइट। बट यू टेल मी, जैसे बोलते हैं ना डॉक्टर और लॉयर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, जो भी अगर आप बता तो आप, वो आपके लिए अच्छा होता है, ताकि वो आपके फेवर में बात कर सके। तो अगर मैंने आपके साथ कॉन्टेक्ट तोड़ दिया, आपका डिटेल या डाटा किसी और को शेयर कर दिया, सो दैट इज ऑल्सो अफेंस, यू हैव अ राइट टू कंप्लेंट अगेंस्ट मी, गॉट इट। तो अभी मतलब इतनी सिक्योरिटी हो गई है, सो डोंट बी शेयर। अगर आप ट्रस्ट कर रहे हो कंपनी में भी, आप एथिक्स के साथ काम कर रहे हो, सो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको कोई भी लीगलसी जो होती है ना, सीक्रेसी, वो आपको मेंटेन करना ही है, स्पेशली पर्सनल तो करना ही है, राइट। नाउ टैम्परिंग विथ कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स क्या है, सेक्शन 65 ऑफ आईटी एक्ट 2000, टैम्परिंग विथ कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स। टैम्परिंग विथ कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट इज लाइक दैट, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन कंप्यूटर सोर्स कोड मीन्स द लिस्टिंग ऑफ प्रोग्राम्स, compute commands,
डिजाइन एंड लेआउट्स एंड प्रोग्राम एनालिसिस ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सिस एनी फॉर्म, है ना. हम लोग डिजाइन ले लेते हैं कहीं से कुछ, जैसे आपने अपने एस आई पी में यहाँ से ले लिया, वहां से ले लिया और दिखा दिया कि मैडम मैंने बनाया. यस, आपने ही बनाया वो, लेकिन आपने अपना यूनिक कुछ नहीं बनाया, है ना. तो दैट इज ऑल्सो प्रोग्राम्स ले लेते हैं. जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज में बहुत उनको टारगेट होता है तो वो एक सिस्टम में ही जाके काम करते हैं. अगर आपने थोड़ा सा भी वो लीक कर दिया या किसी को कुछ ये हो गया तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये हो जाता है, है ना. उनके बहुत रिस्ट्रिक्शंस रूल्स होते हैं और उनको उसी रूल में काम करना होता है, स्पेशली आईटी वालों को. नाउ सेक्शन 65 ऑफ द एक्ट मेक्स द टैम्परिंग विद कंप्यूटर स्टोर्स डॉक्यूमेंट्स पनिशेबल अप टू 3 years और विद अ फाइन ऑफ ₹2 lakh और विथ बोथ. अगर आपने कंप्लेन कर दी तो आपको 2 lakh का फाइन और 3 years का जेल हो सकता है. सो बी अवेयर अबाउट इट. देन हैकिंग कंप्यूटर, जैसे आप स्पेशलाइजेशन है तो साइबर का एक अच्छा कोर्स है, उसमें एनपीटीएल में है, उसमें जाके आप करिए. आपका सरफेस एक्ट का कोर्स है, आप उसमें कर सकते हैं. रिकंस्ट्रक्शन और ये जो आज सुबह हमने पढ़ा था ना, डेप्ट रिकंस्ट्रक्चरिंग का कोर्स है, तो ये जो कोर्सेस है ये आपका नॉलेज बढ़ाएंगे. जो स्पेशलिस्ट होता है ना, जैसे आप ऑफिस में काम करते हो तो अकाउंट्स का काम जो करता है ना कॉर्पोरेट में, वो सिर्फ अकाउंट्स ही देखता है, तो एक नहीं होता है. फाइनेंस बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है. आप उसमें हर फील्ड में स्पेशलिस्ट, जितने जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ रहे हो, हर एक यूनिट पढ़ रहे हो, तो हर यूनिट का स्पेशलिस्ट होता है, आप ये समझ के चलो. जैसे साइबर में आपने 5 units पढ़े हैं, तो पहले यूनिट में आईटी एक्ट, तो आईटी एक्ट में भी काम करने वाले लोग हैं. उसमें क्या रिनोवेशन लाना है, क्या करना है, वो डिफरेंट यूनिट. आपने पढ़ा था आईपीआर, आईपीआर यानी क्या, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ का अगर आपने 2-3 कोर्स कर लिए रिलेटेड करंट ट्रेड और उसमें जो भी एडवांस, तो उसमें भी आप एक्सपर्ट बन सकते हो. उसमें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है आपके करियर के लिए. गॉट इट. उसके बाद हमारा जो थर्ड चैप्टर था उसमें भी अगर आप प्राइवेसी एंड लीगेसी, अगर ये लीगल बेस पे आप कोर्स करते हो तो उसमें भी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हर कॉर्पोरेट में ये सारे एक्सपर्ट होते हैं. गॉट इट. साइबर में आपने कर लिया भी नंबर ऑफ करियर्स है, कि साइबर का काम सिर्फ कंप्यूटर वाले ही कर सकता है. आपने 2-3 अच्छे सर्टिफिकेट्स ले लिए, उसमें एक अच्छी ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है, तो आप उसमें भी अपना करियर बना सकते हो. डाटा इंफॉर्मेशन एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज है. ऑडिट सेक्शंस होता है, ऑडिट में आप जा सकते हो, इंटरनल ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिट, उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जा सकते हो, उनका ठीक है. एसेट इवैल्यूएशन में आप अपना करियर बना सकते हो. एंड नंबर ऑफ फील्ड्स है, ठीक है. बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनी, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पीपल डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि वो उसमें एक्सपर्ट है. और मजा तो तभी आता है अगर हमें हमारे फील्ड का वर्क मिल जाए, तो उसी में हम लोग इनोवेशन और ये करेंगे, राइट ना. सो अमेंडमेंट ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years एंड अबव शाल बी and the offense punishable with imprisonment of 3 years shall be bailable. 3 years के बाद ही आपको bail मिलेगा, क्योंकि cognizable है. non-cognizable में आपको जल्दी मिल जाती है bail, but cognizable का केस होगा तो आपको जल्दी bail नहीं मिलती है. आपको proof करना होता है या फिर आया तो आपको accept करना होता है. accept करने के 3 साल बाद ही आपको उसका ये मिलता है. Now it is brought to notice that the offence under section 65 and under section 66 of IT Act of या फिर Information Technology Act is available in view of section 77B of the Information Technology Act. अगर आपने Google पे सर्च किया cases of IT Act, तो आपको बहुत सारी cases मिलेंगी. आपको offence की बहुत सारी cases मिलेगी, cyber law से related बहुत सारी cases मिलेगी, cyber crime से related बहुत सारी cases मिलेगी. समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? सो दिस इज पनिशेबल मटेरियल पे जो होता है ना,
वो है कि इंटरनेट पे कैसे हम लोग मटेरियल यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ करते हैं, तो भी सेक्शन 67 और 67A है जो न्यूडिटी पे ये लगाता है ना. बहुत सारे लोग होते हैं जो अभी तो सब ओपन हो गया है अबाउट इट, कि आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको क्या चीज देखनी चाहिए और कहाँ टाइम यूज करना चाहिए. ये आपकी जनरेशन को अभी से समझना चाहिए, नहीं तो आप अगर ऐसे बिहेव करोगे तो आप खुद सोचिए कि आप हमारे देश को क्या दे रहे हो या आने वाली जनरेशन को क्या दे रहे हो, ये आप खुद डिसाइड करिए. गॉट इट? नाउ ब्रीचिंग ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, इट इज इफ, मैंने पहले ही बोला कि अगर आप किसी के भी साथ प्रॉमिस करते हो और अगर उस प्रॉमिस को आप ब्रीच करते हो तो यू आर लायबल टू पे द पेनल्टी और पनिशमेंट, राइट? एनी पर्सन हु इन परस्यूएंस ऑफ एनी ऑफ द पावर कंफर्ड अंडर द एक्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल था ये नीरव मोदी का, वो उसने बैंक को पावर थे लेकिन उसने उसका मिसयूज किया. चंदा कोचर, उसका भी केस था, उसने भी बैंक में अपना पावर. तो ये लोग जो होते हैं ना मिसयूज करने वाले, इनको भी छोड़ते नहीं है. तो जो मतलब ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हम लोग जब भी कोई अच्छी पोस्ट पे काम करते हैं तो जैसे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को ऑथ लेनी पड़ती है ना, शपथ विधि होता है कि मैं ऑनेस्ट के साथ ये सारी चीजें करूंगा. तो बच्चों जब भी आप किसी काम को करते हो है ना, तो पहले प्रॉमिस करो कि ये काम ना मैं बहुत ही ऑनेस्ट करूंगा, पढ़ाई भी ना मैं बहुत ही ऑनेस्टली पढ़ूंगा, तभी वो आप में गट्स आते हैं. हाँ करना है करेंगे, बस आपको मिलेगा ही नहीं. आपने अगर एसआईपी भी अगर ऑथ के साथ किया होगा कि नहीं ये मेरा अच्छा जाना चाहिए, मैं इसे डेडिकेशन के साथ करूंगा है ना, तो वो मिलेगा आपको, अदरवाइज नहीं. तो ये सारी अगर आप ब्रीच करते हो किसी भी चीज को तो के लिए पनिशमेंट आपको मिलेगी ही मिलेगी. नाउ नेक्स्ट, सो ये साइबर लॉस की अमेंडमेंट्स है जो हुई है. इंडियन पेनल कोड 1816 जो था जो दिया था उसके थ्रू साइबर लॉस में अमेंडमेंट्स आया है. इंडियन एविडेंस एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है क्योंकि पहले डिजिटल प्रूफ नहीं चलता था है ना. अभी क्या होने लगा है, डिजिटल प्रूफ, आपका व्हाट्सएप चैटिंग, आपका फेसबुक का, आपका जो वो सब हो रहा है पता, मतलब वो चेंज हो गया है इजीली, वो भी एज एन एविडेंस के तौर पे अभी चलने लगा है. मैंने एक लास्ट ईयर में जब मैं मे बी ड्यू टू पैंडेमिक और जो भी है, मैं एक कमिश्नर सर से मिली थी, हमारे नागपुर के थे, बहुत ही अच्छे पर्सन थे वो, मुझे उनका नाम नहीं आ रहा है. तो वो उन्होंने पीएचडी किया था, तो रिगार्डिंग दैट मेरा उनके साथ इंटरेक्शन हुआ था. तो उन्होंने मुझे बताया था कि एक साइबर का केस था, एक लेडीज थी उसने कंप्लेन की थी कि मेरे मुझे फेसबुक के थ्रू ये एक कोई पर्सन था, वो उनको इंटरेक्ट करता था, उनको फोन करता था, डिफरेंट डिफरेंट नंबर से है, तो डिफरेंट डिफरेंट नंबर से फोन करता था और ये. तो उन्होंने साइबर में वो सर मतलब स्पेशली जाके उनको बताया कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और मुझे ये पर्सन ने रिक्वेस्ट भेजी है. मैंने एज अ वुमेन मैंने एक्सेप्ट की, चलो भाई चाहिए. और वो लेडी नियर अबाउट 55-56 ईयर्स की थी और वो जो लड़का था जो भी था वो 17-18 साल का होगा या फिर 19-20 का पकड़ लो. तो उन्होंने ये जस्ट गए थे तो केस शेयर किया था. तो जैसे ही उन्होंने कंप्लेंट की तो सर ने उनसे कहा कि ठीक है मैम, अभी आपको जब भी नेक्स्ट बार उसका फोन आएगा आप मुझे सिर्फ उसका नंबर दीजिए और या फिर जितने भी बार आएगा नंबर दीजिए, हम देखते हैं. तो सर ने वो मैम ने वैसे ही किया, वो लेडी ने वैसे ही किया कि जितने भी बार उसका नंबर आता था वो तुरंत सर को कॉल करती थी और बताती थी सर अभी ये नंबर से मुझे फोन आया, अभी ये नंबर से. और फेसबुक पे जो वो चैटिंग भी करता था, तो फेसबुक पे चैटिंग होता था तो वो फेसबुक पे चैटिंग भी करता था, मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ. और फिर इन लोगों ने स्ट्रेस किया तो वो पता चलता था कि नहीं ये तो उनके साथ फ्रॉड कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं अभी इंडिया में हूँ लेकिन रहता वो कहीं था. तो ऐसे करके उन्होंने
वो स्ट्रेस करके वो लड़की को जाके पकड़ा है। तो मतलब उसे भी ये करने के लिए उनको 2 महीने लगे, तब तक तो वो स्ट्रेस में था। और फिर पता चला कि वो जो पर्सन था उसने एन नंबर ऑफ इंडिया में था, इंडिया का ही कई, मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ का था, बट वो ऐसे ही कितने तो भी लोगों को ये करके उनका मनी ग्रैब करता था। उनके सामने बोलता था मुझे अभी मेरे पेरेंट्स को ऐसा हो गया है, मुझे पैसा चाहिए, या बहुत सारे केसेस थे उस पर, बहुत सारी केसेस थी। तो मतलब ये जो फेसबुक का एविडेंस था, और वो बोलता था कि नहीं मैंने ऐसा किया ही नहीं, मैं वो हूँ ही नहीं, ये मेरा नंबर ही नहीं है, तो ये सारे एविडेंस जो थे वो उसे प्रूफ करने में काम आए थे। ऐसी बहुत सारी केसेस है, अगर आप देखेंगे, अगर आप दिल से पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। नाउ बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट है ना, बैंकिंग में भी ये अभी अच्छा एविडेंस आपको काम में आने लगा है, क्योंकि अभी डिजिटली बैंक ने भी आपको स्टेटमेंट ये वो भेजना चालू कर दिया है। तो अगर कभी बैंक अगर बोलते हैं कि नहीं हमने ऐसा किया ही नहीं, तो आपके पास प्रूफ होता है कि देखिए। सो ये भी इसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया है, जो बहुत ही रेशनल था और इसकी जरूरत थी एक्चुअली, राइट। नाउ जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, और जो भी जनरल छोटे छोटे रूल्स थे उसमें भी चेंजेस हुए हैं जो बहुत जरूरी थे। सो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो इसका जो कंक्लूजन निकलता है लास्ट में कि साइबर लॉ जो है वो इसेंशियल फीचर्स है आज की डेट में इंटरनेट वर्ल्ड के लिए एवरीवेयर, और अचीविंग ग्लोबल पीस एंड हार्मनी। और ये सिर्फ खुद के लिए नहीं है, इंडिविजुअल के लिए नहीं, तो ऑल यूनिवर्स में ये वर्क कर रहा है, ऑल यूनिवर्स को सिक्योर कर रहा है। गॉट इट? सो दैट इज आर लास्ट यूनिट। आप फिफ्थ यूनिट आज हमने साइबर लॉ कंप्लीट कर दिया है, और रिगार्डिंग दैट आप स्टडी करो, इसके रिटर्न टेस्ट अभी होंगे ही, ठीक है? मैं आपको शेयर करूंगी इसके सारे पेपर्स वगैरह जो भी है मेरे पास। सो प्लीज मन लगा के पढ़ो, ताकि आप अच्छे बनो। आप अच्छे बनोगे तो आने वाली जनरेशन अच्छी बनेगी। देना है तो कुछ अच्छा दो, लाइफ में कुछ है आपके पास तो कुछ अच्छा करके जाओ, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट, सी यू टू टुमारो आर नेक्स्ट थैंक यू मैम। या हैव अ गुड डे। थैंक यू मैम। यस।